तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो हमें टॉपिक में लेकर गया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारी क्लास का 13वां वीडियो है, क्लास 13। तो ये हमारे क्लास का 13वां वीडियो है। और हमारा दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है मोबाइल फोन बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट, मोबाइल फोन बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट, मतलब मोबाइल फोन के बेसिकली तौर पर हम लोग चेक कैसे करेंगे। और दोस्तों आज हमारा जो क्लास जो 13 का जो टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग आपको जो सिखाने वाले हैं वो मोबाइल फोन के अंदर स्पीकर रिंगर। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है स्पीकर रिंगर के ऊपर टॉपिक होने वाला है। दोस्तों जितनी भी सारी मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में बिल्कुल अंगूठा टेक है, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के नाम पे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जीरो हैं मोबाइल फोन के लाइन में। सिर्फ वो मोबाइल फोन को चलाना तो जानते हैं लेकिन रिपेयरिंग में नहीं जुड़े हुए हैं, या उन बच्चों के लिए है जो सालों से मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं लेकिन वो मोबाइल फोन को टेस्ट नहीं कर पाते, मोबाइल फोन के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड को ये नहीं चेक कर पाते कि इस मदरबोर्ड को कैसे चेक किया जाएगा, इसमें आने वाली प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाएगा। तो जब तक आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होगा तो मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट को नहीं चेक कर सकते। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के हम लोग टेक्निकली कोर्स कराते हैं। यहाँ पर जितने भी सारे बच्चे लोग होते हैं, सभी स्टूडेंट लोग होते हैं, उनको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल के बारे में आपको पूरा कंप्लीट मोबाइल फोन बनाने का तरीका आपको सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको मोबाइल फोन के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक पूरा आपको कंप्लीट सिखाया जाता है। कोई भी मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे, मोबाइल फोन रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में तौर तरीके स्टेप आपको बताए जाते हैं। ये वीडियो मैं मोबाइल फोन के ऊपर बेसिक चेकिंग के ऊपर लेकर गया हूं ताकि आप मोबाइल फोन को रिपेयर करना सीख सके। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो स्पीकर रिंगर के ऊपर है, स्पीकर रिंगर को कैसे मदरबोर्ड में से पहचाना जाता है, स्पीकर रिंगर कैसे काम करता है, स्पीकर रिंगर का टेस्टिंग क्या होता है, स्पीकर रिंगर के खराब होने से हमारे मोबाइल फोन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको वीडियो लेकर गया हूँ। तो चलिए हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और स्पीकर रिंगर के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से आपको समझाता हूँ और उसे आपको चेक करने का तरीका आपको समझाता हूँ। स्पीकर रिंगर एक पार्ट होता है हमारे मोबाइल फोन में, दो तरीके कैटेगरी चीजें आती है, एक तो होता है कंपोनेंट्स, दूसरा होता है पार्ट। कैटेगरी में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स वो होते हैं जो हमारे मदरबोर्ड में बिल्कुल लगे होते हैं, चिपके हुए होते हैं, उनको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। पार्ट का मतलब होता है वो जो मोबाइल फोन के अंदर पार्ट्स लगे होते हैं, जो अलग से लगे होते हैं, थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप में लगे होते हैं, वो पार्ट्स कैटेगरी में आते हैं। तो स्पीकर रिंगर एक पार्ट है जो आवाज देता है, स्पीकर रिंगर एक पार्ट है जो आवाज देता है। इसका काम क्या होता है, मोबाइल फोन में आवाज देना। जो हमारे मोबाइल फोन में आवाज आती है वो कहाँ से आती है, स्पीकर रिंगर के माध्यम से ही आती है। तो स्पीकर रिंगर एक पार्ट होता है जो आवाज देता है। जितने भी मोबाइल फोन के अंदर जो हमारी आवाज आ रही है, गाने बज रहे हैं, सॉन्ग हो रहे हैं, बात हो रही है, कॉलिंग हो रही है, वॉइस जो भी आता है वो स्पीकर रिंगर के माध्यम से ही आता है। अब बात करते हैं रियल शेप। रियल शेप, रियल शेप का मतलब होता है बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो इसका डिजाइन कैसा होता है। अगर आप बोर्ड में से ये देखेंगे कि आपके बोर्ड में से कैसा दिखाई देता है, तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में दिखाता हूँ कि कैसा आपको दिखाई देता है। अगर आप मोबाइल फोन में देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देता है, ये इस तरीके से आपका मोबाइल फोन में लगा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम लोग, ईयर स्पीकर। ये जो ईयर स्पीकर होता है इसमें से दो पिन होती है, एक पिन तुम्हारी ये होती है, दूसरी पिन तुम्हारी ये होती है। तो एक पिन और सेकेंड पिन, दोनों पिनों के माध्यम से ये हमारा काम करता है। ये जो ईयर स्पीकर होता है ये वॉइस कॉलिंग मतलब जो बात करने वाली आवाज होती है, और ऊपर साइड लगा होता है। कहाँ लगा होता है, जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन में से ऊपर साइड लगा होता है। तो अगर आप इसको फोन में से देखेंगे तो जो स्पीकर होता है ये वॉइस कॉलिंग का काम करता है और हमारे मोबाइल फोन में ऊपर साइड लगा होता है, इसको हम लोग ईयर स्पीकर बोलते हैं। उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन में से जैसे स्पीकर होता है, उसी तरीके से आपके मोबाइल फोन में से रिंगर भी होता है। रिंगर का थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, रिंगर ये सॉन्ग म्यूजिक लाउड स्पीकर, सॉन्ग म्यूजिक लाउड स्पीकर देने काम करता है, इसे थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा, एंड्रॉयड मोबाइल फोन में रिंगर के लिए दोस्त पूरी डब्बी का डब्बी आती है पूरी, और उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। और ईयर स्पीकर हमेशा मोबाइल फोन में सबसे टॉप पे ऊपर पे ही लगा होता है। तो अगर आप बात करेंगे स्पीकर रिंगर में से, एक ईयर स्पीकर होता है, एक आपका रिंगर होता है,
इसका थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बना देता हूँ। ऐसे दो पिने होते हैं, रिंगर थोड़ा सा बड़े साइज में होता है। इसका डिनोटिंग लेटर एसपीके होता है। क्या होता है? एसपीके। अगर एसपीके लिखा होता तो मतलब स्पीकर है, या RIG लिखा होता है, रिंगर में लिखा होता है। सिंबल, डिनोटिंग लेटर सिंबल, इसका निशान होता है इस तरीके से, ऐसा भोंपू जैसा निशान बना होता है, इस तरीके से इसका ऐसा भोंपू जैसा निशान बना होता है। इसका वर्क होता है आवाज देना, इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल यह इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, चेकिंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग। तो ओके, अगर आप इसको चेक करते हैं, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर बीप साउंड देता है तो ओके है। फॉल्टी, बीप ना दे, फटी फटी आवाज दे, कम आवाज दे। तो हमारा जो स्पीकर रिंगर होता है, स्पीकर रिंगर एक पार्ट होता है जो आवाज देता है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में जो आवाज आती है स्पीकर रिंगर के माध्यम से ही आती है। स्पीकर रिंगर एक पार्ट होता है जो आवाज देता है। रियल शेप ये दो पिन का होता है और रिंगर भी दो पिन का ही होता है, थोड़ा सा साइज में से बड़ा होता है। और ये स्पीकर हमेशा वॉइस कॉलिंग में आवाज देता है, जो हम लोग बात करने में आवाज आती है वो हमेशा इसके माध्यम से आती है, और रिंगर में सॉन्ग गाने म्यूजिक ये जो आवाज आती है इसके माध्यम से आती है। डिनोटिंग लेटर एसपीके या RIG लिखा होता है। दूसरी बात क्या होता है, ये सिंबल इसका ऐसा भोंपू जैसा निशान बना होता है। वर्क इसका काम होता है आवाज देना, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलता है। टेस्टिंग, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर बीप साउंड देता है तो सही है, बीप नहीं देता या फटी फटी आवाज आती तो हमारा खराब है। तो जिस तरीके से जो भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन में जब हम स्पीकर रिंगर को चेक करते हैं तो स्पीकर रिंगर को चेक करने का तरीका होता है इस तरीके से। हम लोग मोबाइल फोन में से स्पीकर रिंगर की टेस्टिंग करते हैं। कोई भी मोबाइल फोन आएगा, अगर आपके मोबाइल फोन में से स्पीकर रिंगर काम नहीं कर रहा है तो इस तरीके से स्पीकर रिंगर को चेक करेंगे, और स्पीकर रिंगर अगर चेक करने पर बीप देता तो सही है, बीप नहीं देता तो खराब है। खराब हो जाता तो हम लोग स्पीकर रिंगर को चेंज कर देते हैं, दूसरा लगा देते हैं, और हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। अगर ये स्पीकर खराब हो जाता है तो आपके मोबाइल फोन में बात नहीं होगी, कॉलिंग पे आवाज नहीं आएगी। अगर रिंगर खराब हो जाएगा तो गाने नहीं बजेंगे, सॉन्ग नहीं बजेगा, म्यूजिक नहीं बजेगा, लाउड स्पीकर नहीं होगा। अगर ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी तो हमारे रिंगर की समस्या आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीकर रिंगर जितने भी दोनों चीजें होती हैं, दोनों चीजों को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये हमारा चेक करने का तरीका होता है, और सभी मोबाइल फोन में इसी तरीके से स्पीकर रिंगर को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पीकर रिंगर जो होता है काम कैसे करता है। मैं थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल के बारे में बात करता हूँ कि ये मोबाइल फोन में काम कैसे करता है, काम करने का सिस्टम क्या होता है। देखिए, होता क्या, आपके मोबाइल फोन में ऐसे दो वायर होते हैं, दो वायरों से हमारा ऑडियो सिग्नल जो आता है ये वोल्टेज फॉर्म में होता है। ये ऑडियो सिग्नल यहां पर ऐसे कॉइल के माध्यम से इसके अंदर होता है, इसके बीच में जो लगा होता है वो तुम्हारा मैग्नेट होता है। ये जो लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट। उसके ऊपर चारों तरफ जो लगा होता है वो आपका फ्रेम लगा होता है। इसके चारों तरफ ऐसे फ्रेम लगा होता है जिसको हम लोग पर्दा भी बोलते हैं, प्लास्टिक का फ्रेम जैसा लगा होता है, अलग अलग डिजाइन का होता है। मैंने तो गोल आपको बना दिया समझाने के लिए, लंबा चौड़ा गोल आड़ा टेढ़ा कैसा भी होता है अपने हिसाब से समझ सकते हैं। और इसके पास में चारों तरफ जो लगा होता है वो फिर ऐसे पर्दा लगा होता है। अब देखिए, ये कॉइल जो होती है, जो हमारा चेक करने पर अगर बीप देता है तो बीप देने का मतलब क्या होता है, सही है, तो इसका मतलब होता है ये कई बार जो कॉइल होती है ये कहीं से ब्रेक हो जाती है। अगर ये ब्रेक होने के कारण से ही हमारा बीप आना बंद हो जाते हैं तो इससे हम लोग समझ जाते हैं कि हमारी कॉइल ब्रेक हो गई है और हमारे स्पीकर रिंगर खराब हो गया। अच्छा, स्पीकर रिंगर में एक और बात होती है कि अगर कई देर से जब बजता रहता है तो इसका पर्दा जो होता है चारों तरफ ढीला हो जाता है, तो आवाज कम आना चालू हो जाती है तो भी हमारा खराब हो जाता है। और अगर मान लिया ये आपका स्पीकर रिंगर जो है, अगर इसमें से कोई छेद हो जाता है तो भी फटी फटी आवाज आने लगती है। अच्छा, स्पीकर का खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो है स्पीकर के अंदर का मैग्नेट। ये जो मैग्नेट लगा हुआ है ये क्या काम करता है, ये चुंबक होता है। चुंबक की सबसे बड़ी खासियत होती है लोहे की जितनी सारी चीजें होती है सब चीजों को खींचता है अपनी तरफ। तो अब जैसे क्या होता है कि हमारा मोबाइल फोन चल रहा है तो स्पीकर रिंगर जो लगा है तो बाहर जितने भी बहुत बहुत महीन से महीन जो लोहे के कण होते हैं उड़ रहे होते हैं वो सारे स्पीकर रिंगर क्या काम करता है, अपने अंदर खींच लेता है।
जब अपने अंदर खींच लेता है तो वो सारे कण मैग्नेट में तो जाते नहीं, मैग्नेट के ऊपर पर्दा लगा होता है, वो सारा कण पर्दे में चिपक जाता है। लोहा बहुत महीन महीन सा लोहा होता है, बारीक बारीक सा पिसा हुआ जैसा, डस्ट जैसा, उसी में पर्दे में चिपक जाता है। जब बारिश का मौसम होता है, मॉइस्चर आता है, नमी आता है, तो लोहे की खासियत होती है, लोहे में जैसे मॉइस्चर पानी मिलता है तो जंग पकड़ने लगता है, उसको जैसे ही पानी मॉइस्चर मिलता है तो जंग जैसा हो जाता है। वो जंग क्या काम कर देता है, पर्दे को काट देता है, पर्दे को छेद कर देता है, जिससे वो पर्दा कट जाता है, छेद हो जाता है। अब वो पर्दा बेकार हो जाता है, पर्दे कटने की वजह से आपके मोबाइल फोन में फटी फटी आवाज आना चालू हो जाती है और आपके मोबाइल फोन में खराब हो जाता है। तो हम लोग ऐसी सिचुएशन पर हम लोग पूरा रिंगर को ही फिलहाल चेंज करते हैं। और इसके अंदर जो कई बार आपने देखा होगा, कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं जिनकी आवाज की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, कुछ ऐसे स्पीकर होते हैं जिनकी आवाज की क्वालिटी बहुत डाउन होती है। उसका डाउन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, वो उसके अंदर का जो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट छोटा लगा होता है। मैग्नेट की मात्रा जितनी कम होगी, आवाज की क्वालिटी उतनी ही डाउन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। आपने देखा होगा कि आपके जो बूफर आते हैं, होम थिएटर आते हैं, उसमें से जो स्पीकर लगा होता है ना, वो स्पीकर का तो शायद छोटा होगा, लेकिन जो पीछे मैग्नेट लगा होता है बहुत तगड़ा लगा होता है। वो मैग्नेट की वजह इस तरीके से बेस बनता है, तो बेस बनने का कारण होता है मैग्नेट होता है। आप जो बात करते हैं, गाने सुनते हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोगों की पसंद ये थी कि उसमें बेस अच्छा होना चाहिए, आवाज बढ़िया भारी दमदार होनी चाहिए। तो ये अगर मैग्नेट नहीं होगा तो कैसी आवाज आएगी। मार्केट में वही ईयर स्पीकर 20-30 रुपए का मिलता है, वही स्पीकर 60-70 रुपए का मिलता है। अच्छा, 60-70 रुपए मैग्नेट ज्यादा होता है, इसकी कोई टेस्टिंग तो होती नहीं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मैग्नेट को चेक करने के लिए आप स्पीकर को लीजिए, किसी लोहे की चीज में लगाएंगे, जैसे आप लोहे की चीज में लगाएंगे, जैसे मेरा है, मैं इसको लगाता हूं तो ऐसे चिपक जाता है। तो जो इसकी चिपकने की क्षमता होती है, इसी को मैग्नेट बोलते हैं। अगर आप स्पीकर को इसमें लगाएंगे, चटाक से चिपक जाता है, इसका मतलब होता है उसकी मैग्नेट है, और नहीं चिपक रहा तो मतलब मैग्नेट की मात्रा कम है, वो हल्का है, अपनी आवाज कम आएगी। इस तरीके से आप स्पीकर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, और स्पीकर की क्वालिटी अच्छी होगी तो ही दोस्त आवाज अच्छी आएगी। इस तरीके से ये स्पीकर आपका काम करता है, और मैंने आपको स्पीकर के बारे में आपको समझाने की कोशिश किया है कि ऐसे हमारे मोबाइल फोन में आवाज निकल करके आती है और हम आवाज को सुनते हैं। अगर बीप देता तो सही है, बीप नहीं देता तो खराब है, फटी फटी आवाज देता तो भी खराब है। अगर आप मोबाइल फोन में स्पीकर देखने की बात करते हैं, तो जैसे मेरे पास मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में जो ऊपर की तरफ लगा होता है उसको ईयर स्पीकर बोलते हैं, जो नीचे लगा होता है उसको रिंगर बोलते हैं। अगर आप फोन में से देखेंगे तो ये जो लगा होता है इसको हम लोग ईयर स्पीकर बोलते हैं। ईयर स्पीकर से क्या होता है, गाने बजते हैं, इससे हमारी कॉलिंग में वॉइस आती है, जो भी हम बात करते समय हमारी आवाज आती है वो इसी के माध्यम से आती है। उसके बाद हमारे अगर आप मदरबोर्ड में से देखेंगे तो ये आपका नीचे रिंगर लगा हुआ है। ये रिंगर क्या काम करता है, ये गाने बजाने का काम करता है, ये सॉन्ग म्यूजिक जो भी आता है सब रिंगर के माध्यम से आता है। इसका टेस्टिंग होता है, चेक करेंगे, दोनों पिनों को चेक करेंगे, चेक करने पर बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब। स्पीकर का भी सेम इसी तरीके से टेस्टिंग होता है, स्पीकर छोटा है, रिंगर बड़ा है, बस यही दोनों के रूप में फर्क है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज आपको स्पीकर रिंगर के बारे में बताया है कि कैसे आप मोबाइल फोन के अंदर स्पीकर रिंगर को चेक कर सकते हैं, और मोबाइल फोन में से स्पीकर रिंगर को आप कैसे पहचान सकते हैं। आज मैंने आपको कोशिश किया है कि हम लोग मोबाइल फोन के बारे में जितने भी सारे पार्ट्स कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनमें से एक एक करके कंपोनेंट के बारे में हम आपको सिखा रहे हैं, जिसमें से आज हमारा जो कंपोनेंट था वो स्पीकर के बारे में था। तो दोस्तों ये सारा चीज जो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, इसको आप कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में लिखिए, ताकि जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और मैं आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का जो आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, ताकि आप जैसे हमारे भाई मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख करके खड़े हो सके, और जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर हैं, अगर उस लाइन में आना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग को कैसे किया जाता है, क्या तरीका होता है, क्या टेक्निक्स होती है, तो वो हमारी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरी बात क्या, अभी जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहता हूँ, दीपावली के बाद हमारा बैच स्टार्ट होगा। जो ऐसे बच्चे हैं जो दीपावली के बाद आना चाहते हैं तो वो लोग अपनी ज्वाइनिंग करा सकते हैं और अपने कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, कोर्स को कैसे सीखा जाएगा, कोर्स सीखने का तरीका क्या होता है, कोर्स सीखने का टेक्निक क्या होता है, किस तरीके से आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखेंगे और कैसे आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करेंगे, इन सब चीजों के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6391711711, 6391211211। इन दोनों में से किसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर आप इन सब चीजों के बारे में अगर आप जानकारी ले चुके हैं और अगर आपको ये वीडियो मिल रही है तो ये वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें। अगर आपको वीडियो दोस्त नहीं समझ में आती तो एक बार दो बार वीडियो देखें। अगर आपको पहले यही वीडियो मिली है तो इससे संबंधित हमने और भी बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, ये सारी मेरी डेमो क्लास करके वीडियो आ रही है, उन वीडियो को आप देखिए। दोस्त अगर हम आपको सिखाने में इतनी मदद कर रहे हैं
तो आप भी हमारी मदद करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने वीडियो को स्टोरी पे लगाइए, अपने ग्रुप पे शेयर करिए, ताकि अगर हम आपको सीखने सिखाने में कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं तो दोस्त हमारी भी आप मदद करिए और आप सीखिए, आगे बढ़िए और अच्छी तरीके से अपने काम को स्टार्ट करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर, नए टॉपिक के ऊपर, और फिर हम लोग आगे सीखेंगे माइक के बारे में। ऐसे एक एक करके मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, मैं सभी कंपोनेंट्स, सभी पार्ट के बारे में मैं आपको सिखा के रहूंगा, ताकि आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का, चेकिंग का कॉन्सेप्ट आपको इतना इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि आप अच्छी तरीके से काम कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।